हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तानिया एंड आज हमारा क्रैश कोर्स डे 4 है। कल आप लोगों का वीडियो नहीं आ पाया था बिकॉज माय हेल्थ वाज नॉट रेडी वेल, बट आज आप लोगों का वीडियो आ गया डे 4 कंप्यूटर क्रैश कोर्स का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। बट उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लो। रेड कलर का बटन आप लोगों को दिखेगा जस्ट बिलो दिस वीडियो, आप लोग उसको बस क्लिक कर लो। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लो सो दैट वीडियोज के अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलते रहे। ठीक है गाइज, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड विद ईच क्वेश्चन आप लोग टेस्ट करोगे अपनी एफिशिएंसी की, आप कितने क्वेश्चन सही करते हो। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोग जानते हो जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन किए थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बेसिस पे। बट आप लोग जानते हो हमारे सिलेबस में कंप्यूटर हार्डवेयर है और कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि कितने सारे पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो कंप्यूटर के साथ यूज होते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं सब हार्डवेयर डिवाइसेस पे करने वाले हैं, मेजरली जिसमें हम लोग मेमोरी के बारे में करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी, एंड अपने स्कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर्स करेक्ट किए, एंड ऑनेस्टली बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। एक हार्ड डिस्क डिवाइड की जाती है ट्रैक्स में, हमने पढ़ा था एक हार्ड डिस्क जो है उसे ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है और उसको सब डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। किसमें? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। सो क्या आंसर होना चाहिए हमारा? सेक्टर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, किसी ने भी ये लेक्चर्स मेमोरी के बेसिस पर जो लेक्चर्स हैं, मेमोरी डिवाइस के बेसिस पर जो लेक्चर्स हैं, मिस कर दिए हैं तो जरूर देखना गाइस। उस अगर आप वो लेक्चर देख लोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जो अब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं आपको वहीं से मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द टर्म्स रेड बुक, येलो बुक, ऑरेंज बुक किससे रेफर करते हैं? SCSI, IDE, फ्लॉपी ड्राइव टेक्नोलॉजी, स्टीडी स्टैंडर्ड्स। तो गाइज रेड बुक, येलो बुक, ऑरेंज बुक, देन वी हैव ब्लू बुक, देन वी हैव व्हाइट बुक, ये सब कॉम्पैक्ट डिस्क के स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टैंडर्ड्स है बेसिकली। कॉम्पैक्ट कौन सी कॉम्पैक्ट डिस्क की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसे डिफाइन करने के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें ऑरेंज बुक की, ठीक है, ऑरेंज बुक की बात की जाए तो ये किस तरह का स्पेसिफिकेशन देती है? सीडी रिकॉर्डेबल। ऑरेंज बुक का मीनिंग क्या है? सीडी रिकॉर्डेबल। ठीक है, देन वी हैव येलो बुक, येलो बुक क्या बताती है? सीडी रोम। देन वी हैव रेड बुक, सीडी ऑडिबल। देन वी हैव अ ग्रीन बुक एज वेल जिसका मीनिंग होता है सीडी इंटरैक्टिव। इसके लिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है वाइट, वाइट का मीनिंग क्या होता है? वीडियो सीडी। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेसिफिकेशंस जो बेसिकली क्या होते हैं आपकी सीडी की स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बताती हैं ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज पीएनपी? पीएनपी क्या होता है? प्लग एंड पोर्ट, पोर्ट एंड प्ले, प्लग एंड प्ले, नन ऑफ दीज। तो पीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? प्लग एंड प्ले। ठीक है, क्या है ये? ये एक्चुअल में ऑटोमेटिकली, इट ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर्स डिवाइसेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिवाइसेस को, जो भी डिवाइसेस इंस्टॉल कर रहे हैं आप लोग, उन्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर करने के लिए इसका मेजर फंक्शन है ये बेसिकली। ठीक है जी, सो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, या ये याद रख लो पीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? प्लग एंड प्ले। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। डीवीडी स्टैंड्स फॉर, ये हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर देखा है तो जरूर जानते होंगे। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बहुत सारी बुक्स में या फिर ऑनलाइन आप लोग चेक करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, डिजिटल वर्सेटाइल बुक। लेकिन डीवीडी को हम लोग डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी गाइस। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर इन, एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस में मेजर किया जाता है? एक मॉनिटर का रिफ्रेश रेट मेजर किया जाता है गाइस हर्ट्स में। किस में? हर्ट्स में।
और एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप मॉनिटर जो होता है उसका जो रिफ्रेश रेट होता है वो कितना होता है, 60 हर्ट्स। वैसे अकॉर्डिंग टू डिजिटल ट्रेंड्स जो अभी डिजिटल मोर हम लोग कह सकते हैं विद मोर एफिशिएंसी विद मोर टेक्नोलॉजी जो मॉनिटर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें ये रिफ्रेश रेट इंक्रीज फॉर्म में भी है, लाइक 120 हर्ट्स भी है, 144 हर्ट्स भी है, 240 हर्ट्स भी है, बट एक स्टैंडर्ड डेस्कटॉप मॉनिटर का जो रिफ्रेश रेट है दैट इज 60 हर्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। रैम इन इट्स कमर्शियल फॉर्म आर अवेलेबल इन, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं अपने सेशन में, है ना। अब अपने कमर्शियल फॉर्म में ये कौन सी वाली फॉर्म्स में अवेलेबल है, ये SI MM एंड DI MM दोनों ही फॉर्म्स में अवेलेबल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। SI MM का मतलब क्या होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ठीक है, एंड DI MM का मतलब क्या होता है, ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। सो द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल मीडिया, इनमें से कौन सा है ऑप्टिकल मीडिया, FDD, HDD या फिर CD या फिर मैग्नेटिक टेप। FDD क्या होता है बेटा, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया तो नहीं है। ऑप्टिकल मीडिया क्या होती है, ऑप्टिकल मीडिया होती है जहां पर डेटा रीड और राइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर्स, जैसे CDs में होता है। ठीक है, HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है, एंड मैग्नेटिक टेप भी नहीं हो सकता, यहाँ पर मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 1 KB रिप्रेजेंट, 1 KB कितना रिप्रेजेंट करता है एज पर द ऑप्शन, 1024 bytes, 100 bytes, 1064, 1042। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 1024 bytes। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद में रखने हैं, इसके बेसिस पर कोई ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देख सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। 1 bit किसके इक्वल होता है बेटा, 1 nibble के इक्वल। 1 8 bits किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको आएगा इस लेक्चर में भी बताया है, 1 byte के इक्वल। 1024 bytes किसके इक्वल होता है, 1 KB के इक्वल, 1 KB मतलब kilobytes। 1024 KB kilobytes किसके इक्वल होता है, 1 MB के इक्वल मतलब मेगाबाइट। 1024 MB किसके इक्वल होता है, 1 GB के, GB इज गीगाबाइट। एंड 1024 GB दैट इज GB इज इक्वल टू 1 TB, TB क्या होता है, टेराबाइट। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। टिपिकल एक्रोनियम फॉर रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, ऐसा ऑप्टिकल स्टोरेज जिसे आप लोग रीयूज कर सकते हैं। रीयूज मतलब आपका जो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम है, जैसे CD हो गया, DVDs हो गया, ये क्या है आपके ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम्स। ठीक है, अब इनको रीयूजेबल कहने का मतलब क्या है कि आप डेटा को जो ऑलरेडी उस पर रिटर्न है उसे कभी भी आप इरेज कर सकते हो और उसे रीराइट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ऐसा कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है जो रीयूजेबल है, वो है CD रीड राइट। आप इसमें से डेटा को इरेज कर सकते हैं जो ऑलरेडी रिटर्न है और उसके बाद उसको वापस रीड राइट कर सकते हैं डेटा, इसलिए इसका नाम है रीड राइट। ठीक है, और ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज है। उसके बाद RPM आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, CD DVD तो आपको मालूम है। RPM क्या होता है, रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन नॉट रेजोल्यूशन रेवोल्यूशन पर मिनट। बेसिकली जो आपके जैसे डिस्क होती है डीवीडी एंड सीडी, जो इनका रोटेशनल होता है, जो इनका रेवोल्यूशन होता है, वो उसका रेट चेक करने के लिए जो टर्म डिफाइन की गई है वो है RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। बिल्ट इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, अब तक आप लोग मेमोरी अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर का जो बिल्ट इन मेमोरी है वो कौन सा है, रैम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और इसी का ई रोम जो है वो एक टाइप है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम गिवन टू द मेमोरी व्हिच वर्क्स ऑन टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ इनफाइनाइट मेमोरी स्पेस, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो एक इल्यूजन पैदा करती है कि आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा मेमोरी स्पेस है। गाइस, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पहले भी ऐसे MCQs हमने किए हैं। कौन सी ऐसी मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी।
ठीक है, जैसे इसका नाम डिफाइन करता है ये वैसे ही इल्यूजन क्रिएट करती है, कब यूज की जाती है। अब ये वर्चुअल मेमोरी कोई भी फिजिकल मेमोरी नहीं होती जो आपके सिस्टम में होती है, इट इज अ सॉफ्टवेयर बेसिकली। ठीक है, होता क्या है जब हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब आपने एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स आपने ओपन करके रखे हैं, आप मूवी भी देख रहे हो, आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, आपने गूगल भी ओपन करके रखा है, आपने एमएस वर्ड भी ओपन करके रखा है, एक्सेल भी, मतलब आप लोग मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हो एक सिस्टम में। तो उस वक्त क्या होता है, जब इतने सारे एप्लीकेशन आपने ओपन करके रखे हैं, ऑब्वियसली जब आपने उनको ओपन रखा है तो वो मेमोरी में प्लेस तो लेगी, तो वो कहाँ प्लेस लेती है, रैम। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि जो भी सिस्टम आप लोग यूज कर रहे हैं, जो भी आप लोग पर्टिकुलर टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रोग्राम रैम में तो स्पेस लेगा ही। तो जब आप लोग मल्टी प्रोसेसिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है रैम की स्पेस फुल हो जाती है, क्योंकि आपने इतने सारे प्रोग्राम्स ओपन करके रखे होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि आपके जो भी आप टास्क कर रहे हैं वो बंद ना हो, रैम के फुल होने के बाद आपका सिस्टम एक वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है। ठीक है, एक वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है, एक और वर्चुअल मेमोरी जो है अपनी जगह कहाँ पर बनाती है, हार्ड डिस्क में। ठीक है जी, वर्चुअल मेमोरी का यूज किया जाता है सो दैट आप मल्टी प्रोसेसिंग कंटिन्यू रख पाए, इसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। और ये बाकी मेमोरीज की तरह कोई भी फिजिकल मेमोरी नहीं है जो आपके सिस्टम में है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ओके गाइस, उसी को हम लोग कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ओके, अब कैश मेमोरी की भी बात करते हैं, रजिस्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइमरी मेमोरी हमको पता है, कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कैश मेमोरी से रिलेटेड डाउट्स आ जाते हैं। इवन मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा, स्टूडेंट्स ने बोला था कैश फास्ट है या रजिस्टर फास्ट है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेमोरी जो है वो फास्ट है, कौन सी मेमोरी जो स्लो है। ठीक है, डोंट वरी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज। सो कैश मेमोरी क्या होती है, आप लोगों ने, ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है, आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी देखा होगा कैश मेमोरी के बारे में। ये कहाँ पर होती है, ये सीपीयू में होती है। ठीक है, ये मेमोरी सीपीयू में होती है और सीपीयू इस मेमोरी को सबसे ज्यादा बार यूज करता है। ठीक है, देखो क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लेट्स से आप लोगों को पैसे चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप लोग सबसे पहले कहाँ देखोगे, अपने पर्स में, है ना। सबसे पहले आप लोग कहाँ जाओगे, अपने पर्स खोलोगे, अपना वॉलेट में देखोगे। ठीक है, वॉलेट में नहीं मिले तो आपको दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आप अपने कबर्ड में या फिर सेफ में, कहाँ पर भी आप लोग पैसे रखते हो वहां पर देखोगे। यहाँ पर भी पैसा ना मिला तो आप लोग क्या करोगे, एटीएम लेकर बैंक से, एटीएम से आप क्या करोगे, डेबिट करवाने की कोशिश करोगे या बैंक जाकर डेबिट करवाओगे, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। ठीक है, तो सीपीयू का भी केस बिल्कुल सेम है, सीपीयू कैश मेमोरी को सबसे ज़्यादा बार यूटिलाइज करता है। सबसे ज़्यादा बार यूटिलाइज करने का मतलब क्या होता है, सीपीयू जो भी प्रोग्राम्स को बार बार यूज़ करता है, ठीक है, सीपीयू जो भी प्रोग्राम्स को बार बार यूज़ करता है वो उसको टेम्परेरीली कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, जिससे क्या हो, टाइम सेव हो उसकी प्रोसेसिंग का, और नेक्स्ट टाइम जब सेम प्रोग्राम उसे चाहिए तो वो रादर देन गोइंग टू अदर मेमोरीज, जैसे रादर देन गोइंग टू हार्ड डिस्क, रादर देन गोइंग टू अदर मेमोरीज, वो सबसे पहले कहाँ चेक करता है, कैश मेमोरी में चेक करता है। अगर उससे वो प्रोग्राम फाइल, वो सॉफ्टवेयर वहाँ मिल जाता है तो वो उसे प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर लेता है, अगर नहीं मिलता फिर वो जाता है अदर मेमोरीज में। जैसे आप फ्रिक्वेंटली क्या यूज़ करते हो, अपना वॉलेट मनी के लिए, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, अपना वॉलेट चेक करोगे, वॉलेट में नहीं मिला तो कहाँ जाओगे, कबर्ड में जाओगे, तो सीपीयू कहाँ चला जाएगा, सीपीयू चला जाएगा उसके बाद रैम के बाद। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर कैश मेमोरी में सॉफ्टवेयर नहीं मिला तो वो कहाँ चला जाएगा, रैम में चला जाएगा, रैम में भी नहीं मिला तो उसके बाद कहाँ चेक करेगा, हार्ड डिस्क में चेक करेगा। तो ये प्रॉपरली प्रोसेसिंग होती है, इसी को हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपने अपने मोबाइल के केस में भी देखा होगा, जो भी प्रोग्राम्स आपका फाइल जो आपका फ़ोन में आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हो उन्हें कैश मेमोरी में टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अपने फ़ोन की कैश मेमोरी डिलीट कर दोगे तो इसके आपके मोबाइल को या आपके कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, आप इसको कभी भी किसी भी समय डिलीट कर सकते हो और अपनी यूजेज के अकॉर्डिंग सीपीयू जो है वापस से कैश मेमोरी जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है, सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था रजिस्टर्स फास्ट होते हैं या कैश मेमोरी फास्ट होती है, तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी गाइस। ठीक है, तो रजिस्टर फास्टेस्ट है, नॉट कैश, इसकी आईआरटी मैं आपको बताऊंगी आगे क्वेश्चन के साथ। सो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, अब आपको और डाउट्स नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते हैं। अ स्कैनर लुक्स लाइक अ डैश मशीन, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था स्कैनर के बारे में। स्कैनर किसकी तरह दिखता है, एक फोटो कॉपियर मशीन की तरह, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 32
की तरफ, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ डेटा. इनमें से डेटा क्या हो सकता है? डेटा हमेशा रिटर्न होता है, अनरिटर्न होता है, विजुअल होता है, या फिर रिटर्न अनरिटर्न दोनों होता है. तो जो डेटा है वो रिटर्न भी हो सकता है, वो अनरिटर्न भी हो सकता है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 13. कैश मेमोरी लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन पावर इज ऑफ. कैश मेमोरी अपने कंटेंट्स लूज कर देती है जब पावर ऑफ होती है. क्या यह बात सही है या फिर ये बात गलत है? तो कैश मेमोरी क्या होती है? बेसिकली मेन मेमोरी. ठीक है, कैश मेमोरी इज पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. और मेन मेमोरी जो है वो वोलाटाइल इन नेचर होती है. वोलाटाइल इन नेचर, कैश भी वोलाटाइल इन नेचर होती है, जो पावर ऑफ होने पर अपने कंटेंट्स को लूज कर देती है. सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ट्रू. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम तो सबको पता है क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यू रिक्वायर टू हियर म्यूजिक ऑन योर कंप्यूटर? अगर आप अपने कंप्यूटर पे म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसकी जरूरत है? वीडियो कार्ड की, साउंड कार्ड की, माउस की या जॉयस्टिक की? माउस और जॉयस्टिक तो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गए. माउस जो है हम लोग कैनवस पे स्क्रोल करने के लिए, कैनवस पे कर्स पॉइंटर को लोकेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. जॉयस्टिक का यूज हम लोग गेम्स के लिए करते हैं. वीडियो कार्ड्स का यूज हम लोग वीडियो डिस्प्ले के लिए करते हैं. आप लोग वीडियोस देखते हैं, वो किसकी हेल्प से देख पाते हैं? वीडियो कार्ड्स की हेल्प से. साउंड कार्ड का यूज ऑडियो के लिए होता है, लाइक म्यूजिक एंड ऑल सुनने के लिए. ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? साउंड कार्ड. नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ PSU विच इज एन इंटरनल कंपोनेंट यूज टू सप्लाई द पावर. एक कंप्यूटर सिस्टम को पावर सप्लाई करने के लिए एक इंटरनल कंपोनेंट जिसे हम लोग PSU बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट, परमानेंट सप्लाई यूनिट, प्लेसमेंट सप्लाई यूनिट, प्रोग्रामेबल सप्लाई यूनिट. द करेक्ट आंसर इज पावर सप्लाई करने के लिए यूज होता, तो वेरी ऑब्वियस पावर सप्लाई यूनिट ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. डैश प्रोग्राम कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू स्मॉलर फाइल्स. फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए विंडोज में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है. कंप्रेस करने के लिए मतलब फाइल्स का साइज डिक्रीज करने के लिए. ठीक है, कौन सा प्रोग्राम होता है? वो प्रोग्राम है विनजिप, ऑप्शन ए. ठीक है जी. Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? रैम इज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, रोम इज वोलेटाइल, रैम स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डाटा यूज्ड बाय CPU. RAM contains the operating system. ROM contains the operating system. देखिए, first one is wrong, क्योंकि RAM and ROM के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. किसी को भी इनके uses में ये क्या है, hard disk में होती हैं या CPU में होती हैं, कहाँ पर कैसे use किया जाता है, कौन सी volatile है, कौन सी non-volatile है, main memory क्या है, primary memory क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग already पढ़ चुके हैं guys. तो किसी को भी इसमें कोई भी doubt है, क्योंकि जो भी students prepare कर रहे हैं obviously वो ये topics अभी तक cover कर चुके हो. किसी को भी कोई doubt है या किसी ने ये topics को touch नहीं किया है, प्लेलिस्ट में जाइएगा कंप्यूटर बाय तान्या मैम, आपको वहां पर ये लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, रैम स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा यूज्ड बाय CPU. ठीक है, क्वेश्चन 20 पे आते हैं. अ गेमिंग कंप्यूटर इज थ्रैशिंग द डिस्क, व्हाई? एक गेमिंग कंप्यूटर जो है वो डिस्क को थ्रैश करता है, क्यों करता है? ठीक है, सो डिस्क थ्रैशिंग का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली डिस्क थ्रैशिंग कब होती है गाइज? जब रैम जो है वो फुल हो जाती है. ठीक है, आपके सिस्टम की जो रैम है वो कम्प्लीटली फुल हो जाती है और डिस्क को यूज़ करना पड़ता है वर्चुअल मेमोरी का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क थ्रैशिंग. तो क्या रीज़न हो सकता है थ्रैशिंग द डिस्क का? गेम टेक्स अप टू मच स्पेस, गेम यूजेस हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, द स्क्रीन यूजेस टू मेनी कलर्स, द प्रोसेसर इज शॉर्ट ऑफ रैम. द करेक्ट आंसर शुड बी द प्रोसेसर इज शॉर्ट ऑफ रैम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, What is firmware? Firmware अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो ये भी हम लोग कर चुके हैं अपने सेशंस में. मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि फर्मवेयर क्या है, कैसे यूज होती है, कहाँ पर ये होती है आपके सिस्टम में, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं. तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फर्म इज अ प्रोग्राम इन रोम. ठीक है, फर्मवेयर एक प्रोग्राम होता है रोम पे, जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही इंस्टॉल्ड होता है. ठीक है, सो या ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. The compact disc was invented by, compact disc किसने इन्वेंट की थी? ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था गाइज. अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको inventions, inventors के नाम बताए थे, उसमें एक compact disc भी था. किसने इन्वेंट किया है? James Russell ने. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. और अगर पूछा जाए कि कब, तो 1960s के अराउंड. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. By BIOS क्या है? रोम, रैम, कैश और हार्ड डिस्क, किस
इनमें से किस में से रिलेट करता है? ये एक बूटअप प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 23 में, रिलेटेड टू रोम, ठीक है। BIOS इज रिलेटेड टू रोम, ये एक रोम पर, रोम चिप पर एक्चुअली रोम चिप जो एक्चुअली हमारे मदरबोर्ड पर रहती है, ठीक है, पीसी के मदरबोर्ड पर रहती है, उसी पर ये प्रोग्राम इंस्टॉल रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी कंपोनेंट इन द कंप्यूटर? अभी ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, फास्टेस्ट कौन सा है, कैश नहीं है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाय द CPU इज कैश मेमोरी, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रजिस्टर्स। यही सिमिलर क्वेश्चन हम लोग को आंसर मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स ऑफ हाइएस्ट टू लोएस्ट, हाइएस्ट से लोएस्ट कौन सी मेमोरी है। तो इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वाली फास्टेस्ट होती है, उसके बाद कौन सी होती है, उसके बाद कौन सी होती है। तो रजिस्टर्स फास्टेस्ट है, उसके बाद आती है कैश मेमोरी, उसके बाद मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरीज जो है वो लीस्ट स्पीड वाली होती है, जिसमें हमारे पास USB फ्लैश ड्राइव्स वगैरह आ जाते हैं। सो ये लीस्ट स्पीड होती है इसकी, तो दिस इज द हायरार्की, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब के बाद ये भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट्स बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग, बूटिंग के टाइम पे, मतलब जब कंप्यूटर स्टार्टअप होता है, सारे पेरिफेरल्स जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेक करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्ट, POST, जिसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इट इज अ प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड बाय फर्मवेयर टू चेक कि प्रॉपरली सारे पेरिफेरल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं एट द टाइम ऑफ बूटिंग, सभी प्रोग्राम्स जो हैं आर दे वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एक्सपेंशन कार्ड यूज टू गिव अ PC नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, एक PC को नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज देने के लिए, एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा एक्सपेंशन कार्ड यूज करते हैं? स्मार्ट कार्ड नहीं हो सकता, मेमोरी कार्ड भी नहीं हो सकता, ग्राफिक्स कार्ड भी नहीं हो सकता, ये ग्राफिक्स के लिए होता है, ये स्टोरेज के लिए होता है, स्मार्ट कार्ड भी नहीं हो सकता। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको हम लोग NIC भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए NIC का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो PC को एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे, बस बिटवीन मेमोरी एंड CPU, कल हमने बस के बारे में पढ़ा था, क्या होती है, कम्युनिकेशन मीडियम। सो मेमोरी एंड CPU के बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जो बस होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं, होस्ट बस कहते हैं, या मेमोरी बस कहते हैं? तो गाइस, CPU और मेमोरी के बीच का जो बस होता है, उनके ये सभी नाम ही हैं, सिस्टम बस भी बोलते हैं, होस्ट बस भी बोलते हैं, मेमोरी बस भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दी अबव। अ रेक्टिफायर, अभी आप लोग देखो फिजिक्स भी पढ़ते हो, आप जानते हो आपके सिलेबस में फिजिक्स भी है, कम मार्क्स का आना है बट आना तो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली दे सकते हो। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल टू इट मे बी सो इट मे बी सेंड फॉर अ लॉन्गर, जो सिग्नल को मॉडिफाई करता है, एम्पलीफाई करता है, सो दैट वो लॉन्गर डिस्टेंसेज में सिग्नल जो है वो फैला जा सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिपीटर, ठीक है। यहाँ से आपको एक और डेफिनेशन मिल गया। डिवाइस दैट अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम लोग रेजिस्टर कहते हैं, चलो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। डिवाइस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क्स, नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग राउटर का यूज करते हैं, है ना। सो या दिस इज अ क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GUI डिवाइस। GUI का फुल फॉर्म हम लोग ने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। तो इनमें से कौन सा है जो GUI बेस्ड डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, OMR, OMR क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। So correct answer should be all of the above. Option D is the correct answer for question number 30. ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है आज का हमारा वीडियो लेक्चर। कल आप लोगों को कुछ अदर MCQs मिलेंगे। कल आई ट्राई कि मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बेसिस पर MCQs पूछूं। तो आप लोगों का आज होम टास्क क्या है, आप लोग सॉफ्टवेयर के जो भी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर टॉपिक पढ़ा है, ये पूरा का प्रॉपरली रिविजन कर लेना, ठीक है। सो दैट कल हम इसके बेसिस पर कुछ MCQs करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पार्ट आप लोगों का छूटता है इस टॉपिक में से। तो कल आप लोग सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर हो, वी विल बी डूइंग 30 MCQs ऑन सॉफ्टवेयर टॉपिक, ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।